विकास के नाम पर कागजों में हीरो धरातल पर जीरो, ग्राम प्रधान पति पर ग्रामीणों ने लगाया घोटाला करने का आरोप। कई बार शिकायत करने के बाद नहीं हुई घोटाले की जांच। सबका साथ सबका विकास करने वाली भाजपा सरकार के कार्यकाल में भी घोटालेबाज ग्राम प्रधान घोटाला करने से आज भी नहीं चूक रहे हैं। कानून का कोई खौफ ना होते हुए जमकर घोटाला करने में तुले हुए हैं, जिसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा कई बार जिला अधिकारी से करने के बावजूद भी आज तक ग्राम प्रधान द्वारा किए गए घोटाले की जांच नहीं कराई जा रही है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि प्रदेश में बीजेपी सरकार ने प्रधानों को घोटाला करने के लिए बेलगाम कर दिया है। जहां लाखों का घोटाला कर ग्राम प्रधान ग्राम सभा का नहीं खुद का विकास कर गांव के अलावा शहरों की और पलायन करने पर अग्रसर है। ऐसा ही मामला जनपद मैनपुरी के विकास खंड बेवर के ग्राम निजामपुर में देखने को मिला है, जहां ग्राम प्रधान पति ने खाऊ कमाऊ नीति के चलते एक ही काम को एक से लेकर तीन बार कागजों में दर्शाकर लाखों रुपए का घोटाला कर लिया है। तो चलिए हम आपको ले चल रहे हैं ऐसे ही गांव निजामपुर में। तो चलिए, यह गांव है निजामपुर। इस गांव में ग्राम प्रधान ने सभी गांव की गलियों को पक्का करा दिया है, जबकि इस गांव में मात्र एक या दो ही गली पक्की है और उन गलियों को पक्का दर्शा कर कागजों में खाना पूर्ति कर दी है। तो वहीं शौचालयों के नाम पर इस गांव में अब तक 136 शौचालय बनवाने की बात कागजों में दर्शाई गई है, जबकि इस गांव में उन लोगों के शौचालय बने हैं जो ग्राम प्रधान के खास खास अपात्र व्यक्ति थे। जो पात्र व्यक्ति हैं उन्हें ग्राम प्रधान ने वंचित सूची में जोड़ रखा है। अगर हम बात प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो उस पर भी ग्राम प्रधान ने अवैध वसूली कर अपात्र लोगों को आवास मुहैया कराए हैं। जबकि गांव में गरीब पात्र व्यक्ति आवास को लेकर ग्राम प्रधान के मुँह ताकते हुए दिख रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि ग्राम सभा निजामपुर प्रधान शीला देवी और उनके पति ईश्वर दयाल ने कागजों में एक ही नाली और खड़ंजे को और अन्य विकास करों को बार बार दर्शा कर कागजों में तो हीरो बन गए हैं, लेकिन अगर बात विकास कार्यों की धरातल पर की जाए तो वह ग्राउंड जीरो है। ग्राम प्रधान ने पूरे ग्राम सभा का विकास में कराते हुए खुद का विकास किया है। जो गांव से भोगावा पहुंच गए और भोगावा से अब आगरा पहुंच गए हैं, जिसके चलते ग्राम प्रधान ने लाखों रुपए का घोटाला कर लिया है। आरोप है कि ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों की जांच करने की शिकायत जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह से कई बार की गई, लेकिन उनके कान पर अभी तक कोई जू तक नहीं रहेगी और ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों की आज तक कोई भी जांच नहीं की गई, जिसके चलते ग्रामीणों में आक्रोश है। पेश है मैनपुरी के संवाददाता शिवनाथ सिंह की यह खास रिपोर्ट। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम वीर प्रताप सिंह है। वीर प्रताप जी, कौन सी ग्राम सभा है आपकी? हमारी ग्राम सभा निजामपुर है। अच्छा, यहाँ का प्रधान कौन है? यहाँ की प्रधान श्रीमती शीला देवी। कार्य मतलब काम कौन देख रहा है? काम शीला देवी और उनके जो पति वाइफ हस्बैंड है वो क्या कहते हैं ईश्वर दयाल जी। अच्छा, वो देखते हैं। अच्छा, अगर जो गांव में बात की जाए विकास कार्यों की, तो किस तरह का विकास हुआ है? विकास कार्य ये हुआ है, गलियों का पैसा निकल गया है जी और वो गली बनी नहीं है जी। डॉक्यूमेंट्स में तो दिखा दिया है कम्प्लीट, लेकिन उन गलियों का पैसा दो दो तीन तीन बार निकाल लिया गया है। एक ही गली का ऐसी एक गली नहीं है, ऐसी बहुत सारी गलियाँ हैं जो जिनका बार बार पैसा निकला हुआ है। अच्छा, और काफी सारी ऐसी लैटरिंग भी हैं जो बनी हुई हैं, दिखा रहे हैं बनी हुई, लेकिन मिली नहीं है और बनी भी नहीं है। बहुत से ऐसे लोगों को अभिभावकों को पता भी नहीं है कि हमारी लैटरिंग आई है और बन चुकी है, उनका पैसा अकाउंट में पहुंच चुका है दूसरों के और हो गया काम, मतलब लेकिन कार्य नहीं हुआ है। कार्य नहीं हुआ है। अच्छा, इसकी शिकायत आप लोगों ने जो ना जिलाधिकारी को कितने दिन पहले की थी?
हमने एक शिकायत तो दो महीने ढाई महीने हो गए हैं तब की थी, दूसरी शिकायत 15 दिन के अंतराल पर फिर की थी, और तीसरी शिकायत अभी ये 8-9 दिन हुए होंगे तब की थी। अच्छा, इतनी बार शिकायत करने के बाद नतीजा क्या निकला? नतीजा कुछ भी नहीं निकला, हम बार बार शिकायत करते रहे हैं, हम काफी गांव से 50-50 लोग गए हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की है जिला अधिकारी की तरफ से, कोई छानबीन नहीं हुई, कोई जाँच नहीं हुई, कोई भी जाँच नहीं हुई। तो क्या लगता है कि इसमें क्या जिलाधिकारी भी इन्वॉल्व हैं हर मामले में? अब हम ये तो नहीं कह सकते हैं इन्वॉल्व हैं, अगर इन्वॉल्व नहीं हैं या जो भी हैं ये तो हम नहीं कह सकते हैं। कारण ये है, यदि यदि इन्वॉल्व ना होते, मैं जिलाधिकारी की बात नहीं कह रहा हूँ, कोई भी अधिकारी है इन्वॉल्व ना होता तो यहाँ जाँच होती। जब हम आपको 3-3 बार अवगत करा चुके हैं तो जांच क्यों नहीं हो रही है? इसका मतलब सीधा सीधा इन्वॉल्व हो सकते हैं मला अधिकारी या ब्लॉक से? बिल्कुल बिल्कुल, ब्लॉक स्तर के कर्मचारी। अगर शौचालय की बात की जाए तो किस तरह का काम कराया है शौचालय के नाम? शौचालय का ये कार्य है, जैसे अपने परिवार में अपने परिवारवाद में शौचालय दे दिए गए हैं, और अदरवाइज जो और भी परिवार हैं जिन्हें मिले हैं गाँव में, उनके शौचालय बने नहीं हैं। दूसरी बात, एक परिवार में 3-3 शौचालय दे दिए गए हैं, लेकिन आप पत्नी भाई को एक परिवार में 3 शौचालय, वो भी 2 शौचालय बने नहीं है, एक बनी है उसका भी पैसा निकल गया। अच्छा, ये कंडीशन है यहाँ तो बंदर बांट हुआ है। कहाँ के रहने वाले हो? निजामपुर के रहने वाले। अच्छा, ये बताइए दादा, यहाँ पर विकास के नाम पर क्या क्या है? विकास के नाम पर किया है थोड़ा बहुत, लेकिन जो मतलब किया है उसके बाद दोबारा होता रहा, उस पर पैसा निकलता रहा, काम नहीं हुआ और 3-3 बार पैसा निकलता रहा, कागजों में दर्शाया गया जी, जमीन कुछ नहीं, मतलब कि इसका जो ना जीर्ण उद्धार कर दिया गया। हाँ, मरम्मत कराई गई है, मरम्मत के नाम पर नलों की मरम्मत करी, ये क्या नाम कूड़ेदान है उनके उनके लिए निकाला गया। अच्छा, तो क्या कूड़ेदान आए थे आपके गांव में? कुछ नहीं है, कहीं नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, और अगर जो बात की जाए खड़ंजाकरण की, तो कहाँ का खड़ंजे उन्होंने दर्शाए? खड़ंजा तो उसमें दिया हुआ है, कहाँ कागज? जी 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 जी, बताए आगे बताओ। कागज बना हुआ है केवल कागजों में है। हाँ, और यहाँ धरातल कागज में धरातल कहीं नहीं हमें दिखाई दे रहा। अच्छा, बरसात के दिनों में कैसी हालत होती है साहब? अरे साहब, क्या बताएं, आप कैसी होती है आप सोच सकते, खुद ही कैसी होगी, जब खड़ंजा नहीं, नाली नहीं, सफाई करनी क्या करेगा, पानी गली भरेगा है ना, तो मतलब काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अरे बहुत तो। अच्छा, तो यहाँ से बच्चे जो स्कूल जाते होंगे वो कैसे जब पहुँच पाते हैं स्कूल? वो क्या बताएं, आप जब मेन गली ऐसी भी जा सकते हैं, बम्बा पर तो गिरते गिरते जाते हैं, जरा पानी जब बरसता है फिर आदमी गिरता है, कपड़े भी खराब होते हैं। अच्छा हाँ, अच्छा अगर जो बात शौचालय की जाए, तो किस तरह का उन्होंने शौचालय बनवाया? शौचालय आप निरीक्षण कर लीजिए, उसमें कुछ बने कुछ नहीं बने, और बने वो भी मतलब उसके मुताबिक नहीं बने, सब सीमेंट निकल गया है, खाना पूर्ति भी है, खाना पूर्ति भी है, किसी में गड्ढा नहीं है किसी में। अच्छा, लोगों का आरोप है कि विपक्षियों को दिए हैं, तो क्या ये भी बात सही है? ना, ऐसा कुछ नहीं है, विपक्षी तो पता आपको जिसे दिया दिया, वैसे प्रत्येक घर के लिए शौचालय आया नहीं है, आपको नहीं दिया बराबर ही है सब। अच्छा, दिया और ना दिया आपका? जयराम। अच्छा, ये बताइए दादा, आप किस गांव के रहने वाले हैं? सर निजाम। कौन है प्रधान यहाँ का? शीला देवी बाय राजू। अच्छा, ये बताइए इस गांव में विकास के नाम पर क्या क्या कराया गया है? सर विकास के नाम पर तो कुछ भी नहीं कार्य किया है सर, ये हमारे गांव का पूरा खड़ंजा साहब जो है बिल्कुल, इसका पैसा भी निकल चुका है, लेकिन कुछ नहीं सर यहाँ पर काम हुआ है। अच्छा, कोई काम नहीं कराया? कोई लैट्रिन वगैरह अच्छा, कुछ नहीं दी गई सर। ये जो आपकी गली है ये कीचड़ युक्त है, बहुत मतलब बिजबिजा रहा है यहाँ पर कीचड़, पूरे गांव का रास्ता है सर इसी तरह का है जी, यहाँ पूरे गांव का रास्ता इसी पर है। अच्छा, मैं अगर जो विकास की बात की जाए, तो जैसे कि आपके यहाँ निकलने के लिए जो ये माइनर है, और माइनर पे खड़ंजा भी नहीं है, क्या पैसा उसका भी निकल लिया गया? जी हाँ, पैसा इसका निकल चुका है सर। और इस गली का? इस गली का निकल चुका है पैसा सर, लेकिन विकास नहीं कराया? विकास नहीं हुआ सर। अच्छा, तो ये कहाँ से कहाँ तक गली है ये लास्ट में? सर ये बम्बा से लेकर के और बादशाह के घर तक जो है रास्ता, ये इतना जाम हो जाता है, कहीं निकलने के लिए रास्ता नहीं सर, पानी आने के। अच्छा, बरसात के दिनों कीचड़ हो जाता है, अब भी सूखे में सर नहीं निकल पाते हैं, घास कूड़ा इतना हो जाता है। अच्छा, मतलब कोई काम? अच्छा, काम नहीं। अगर शौचालय की बात की जाए, तो कितने शौचालय? सर हमारे इस मोहल्ले में तो किसी के बने ही नहीं। अच्छा जी हाँ, तो ये जो ना प्रधानमंत्री मोदी सरकार का जो ऐलान था कि हर घर में शौचालय होगा, तो उसके अंतर्गत कोई कार्य हुआ ही नहीं? नहीं सर, गांव हुआ सर, उधर हुआ,
उन्होंने जहाँ उनके जो आदमी थे उनको कराया उसका। अच्छा तो नहीं कराया इधर क्यों।